आज के निबंध का टॉपिक है उपभोक्ता संस्कृति और भारतीय समाज। वर्तमान काल में कोई भी देश विदेशी प्रभाव से एकदम अछूता नहीं रह सकता। भारत ने विश्व भर के संपर्क में रहकर अनेक शुभ अशुभ प्रभाव ग्रहण किए हैं। भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति के कुप्रभाव का एक रूप है उपभोक्तावाद। उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ है ऐसी जीवन शैली जिसमें लोग खाने पीने और भौतिक सुखों को पाने में ही जीवन की सफलता मानते हैं। पश्चिमी संस्कृति खाओ पियो मौज करो की है, जबकि भारतीय संस्कृति खाने पीने से अधिक धर्म और आध्यात्म को महत्व देती है। भारत ने सदा त्याग, अहिंसा, संयम, धर्म और आध्यात्म को महत्व दिया। यही कारण है कि यहाँ राजा सिद्धार्थ को इतनी गरिमा नहीं मिली जितनी कि महात्मा बुद्ध को। यहाँ राजा कृष्ण को इतना सम्मान नहीं मिला जितना योगी कृष्ण को। यहाँ राजा राम को उतना महत्व नहीं मिला जितना कि वनवासी त्यागी धनुष दलन राम को। इसी कारण यहाँ विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि संतों को जितना यश मिला उतना टाटा बिरला या अन्य उद्योगपतियों को भी नहीं मिला। यहाँ धन से अधिक महत्व मन को, प्रगति से अधिक महत्व मानवता तथा भाईचारे को, सुख से अधिक महत्व शांति को, व्यक्ति से अधिक महत्व समाज को, चकाचौंध से अधिक महत्व सादगी को दिया गया। इस कारण यहाँ के लोग जियो और जीने दो का आचरण करते आए हैं। यहाँ का आदर्श है औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। पश्चिमी प्रभाव के कारण भारतवर्ष पर भौतिक सुखों की दौड़ का नशा छाने लगा है। आजकल लोग अपने जीवन की सार्थकता आपसी प्रेम, करुणा, सहानुभूति और सरसता में नहीं मान करके टीवी, फ्रिज, कूलर, स्कूटर, कार, बंगला आदि जुटाने में मानने लगे हैं। परिणाम स्वरूप सभी का ध्यान अधिकाधिक धन कमाने में लगा हुआ है। आज का व्यक्ति उपभोक्ता संस्कृति की अंधी दौड़ में पढ़कर वहशी बन गया है। उसने स्नेह और सम्मान के सब संबंध तोड़ लिए हैं। चांदी के चम्मच में खाने के लिए प्यार भरे दिल तोड़ दिए हैं। पहले लोग रूखा सूखा खाकर भी भरे पूरे परिवार में रहा करते थे, अब लाखों करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी अकेले सुख भोग लेना चाहते हैं। इसके कारण समाज में अकेलापन, नीरसता, लक्ष्यहीनता, भागदौड़ और तनाव का वातावरण व्याप्त हो गया है। प्रसाद जी के शब्दों में यहाँ सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का यहाँ राज है। अंधकार में दौड़ लग रही मतवाला यह सब समाज है। उपभोक्तावाद के परिणाम स्वरूप भारत वर्ष में भी तनाव, अशांति और हिंसा का वातावरण व्याप्त हो गया है। भौतिक प्रगति का प्यासा मनुष्य क्या कुछ नहीं कर गुजरता। जैसे जैसे मनुष्य स्वाभाविक जिंदगी को छोड़कर बनावटी महानगरीय जिंदगी को अपनाने लगा है, वैसे वैसे उसका जीवन मशीन बनता जा रहा है। उसने अपनी ममता, कोमलता और संवेदनशीलता को कुचला है, साथ ही उसकी लालसा उसे अशांत रखती है। वह अपनी आँखों के सामने औरों को सुख लूटता देख करके हिंसक हो उठता है। उत्तेजना, ईर्ष्या और त्रास की स्थिति में वह हर प्रकार से गलत रास्ते अपनाने लगा है। यही गलत रास्ते उसे भयभीत रखते हैं। परिणाम स्वरूप उसके भीतर अब शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति न होकर चूहे जैसा दब्बू व्यक्तित्व रह गया है। भोक्ता संस्कृति के परिणाम स्वरूप भारतीय नारी की भी अवमानना हुई है। आज नारी को जिस तरह उत्तेजक रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब नारी में माँ, बहन, भाभी या देवी जैसा कुछ भी नहीं रहा। अब तो मानो सब नारियाँ भोग की पुतलियाँ रह गई हैं। परिणाम स्वरूप आज की कन्याओं ने सचमुच वैसा ही खुला नग्न रूप धारण आरंभ कर दिया है। आज की मॉडल कन्याएं अपने पुरुष मित्रों के साथ
मुक्त विहार करने को गर्व का विषय मानने लगी हैं। कन्याओं का यह तितली रूप भारतीय नारी की गरिमा को कलंकित कर रहा है। उपभोक्तावाद के परिणाम स्वरूप भारतीय जीवन शैली पर व्यापक प्रभाव हुआ है। यहाँ के संगीत में अब पहले जैसी शांति नहीं बल्कि आंतरिक उत्तेजना दिखाई देती है। खान पान में धीमी आंच पर पकाए व्यंजनों की जगह मिनटों में तैयार फास्ट फूड की संख्या बढ़ने लगी है। वस्तुएं उपयोगी कम आकर्षक अधिक दिखने लगी हैं। ग्राहक का ध्यान टिकाऊपन पर कम सुंदरता पर अधिक जाने लगा है। विक्रेता का ध्यान ग्राहक की सुविधा पर कम उसकी जेब पर अधिक रहने लगा है। पहले व्यापार भी जनता तक वास्तविक वस्तुएं पहुंचाने के लिए एक साधन था, अब वह केवल मुनाफाखोरी का माध्यम बन गया है। सच बात यह है कि उपभोक्तावाद के परिणाम स्वरूप मनुष्य की कीमत उसके धन से आंके जाने लगी है। विद्या बुद्धि गुण कला आदि मोह भाए धन की यह कलाबाजी देखकर अवसन्न है। पहले आदमी की इज्जत उसके गुणों से होती थी, अब उसके धन से होती है। यह सोचकर लोगों ने और अधिक धन कमाना शुरू कर दिया है। न जाने यह दौड़ कहाँ जाकर के रुकेगी। उपभोक्तावादी संस्कृति के शुभ प्रभाव भी गिनाए जा सकते हैं। प्रथम, उपभोक्तावाद से यहाँ का जीवन स्तर उठा है। खान पान, रहन सहन, भवन निर्माण, रेल